नमस्ते, मैं अनिरुद्ध भालेराव आपका कंपनी 360 की यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है अब तक के 10 सबसे अजीब ट्रेडमार्क पार्ट 1। आपको स्टारबक्स कॉफी पर हरा लोगो याद है? और आईफोन पर आधे खाए हुए एप्पल के बारे में क्या कहेंगे? बेशक आपको याद होगा, क्योंकि ये सभी ट्रेडमार्क है जो हमें लेजिट प्रोडक्ट्स और ब्रांडों की पहचान करने में मदद करते हैं। ऐसे ट्रेडमार्क कॉमन और ऑथेंटिक होते हैं, क्योंकि इसके रजिस्ट्रेशन के पीछे उनका कुछ उद्देश्य होता है। लेकिन क्या आपने कभी कुछ बहुत अजीब या स्ट्रेंज देखा है जो ट्रेडमार्क के रूप में रजिस्टर्ड है? चलिए आज हम इन 10 में से 5 अजीब ट्रेडमार्क्स को देखते हैं। सबसे पहले, डार्थ वेदर की सांसों का आवाज़। किसी की सांस लेने की आवाज़ और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, क्या यह अजीब कॉम्बिनेशन नहीं है? स्टार वॉर्स फिल्मों के निर्माता ने स्टार वॉर शब्द के साथ ही कई ट्रेडमार्क रजिस्टर किए हैं, और डार्थ वेडर की सांस लेने की आवाज़ उनमें से एक है। डार्थ उनके प्रसिद्ध फ्रेंचाइजी स्टार वॉर्स के पात्रों में से एक है, जिसमें सांस लेने की आवाज़ की एक यांत्रिक ध्वनि है। लुकस फिल्म ने 2008 में US पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय के तहत सांस लेने की आवाज़ को ट्रेडमार्क के रूप में रजिस्टर कराया। ट्रेडमार्क दो अलग अलग क्लासेस के तहत रजिस्टर्ड है। दूसरा, टेलर स्विफ्ट के गीत दिस सिक बीट। क्या आप संगीत के शौकीन हैं? यदि हाँ, तो हमें यकीन है कि आप सबसे सफल अमेरिकी गायकों में से एक प्रसिद्ध टेलर स्विफ्ट को पहचानेंगे। टेलर ने अक्सर यह साबित कर दिया है कि वह हर उस चीज़ के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है जो उसका है, क्योंकि वह एक गीत के लिरिक्स को ट्रेडमार्क के रूप में रजिस्टर कराने वाली पहली गायिका है। उसने अपने सोलो शेक इट ऑफ गीत के लिरिक्स दिस सिक बीट को 3 अलग अलग वर्गों के तहत रजिस्टर किया है। टेलर ने निश्चित रूप से कई अन्य गायकों को अपने मर्चेंडाइज के माध्यम से मुनाफा कमाने के लिए लिरिक्स रजिस्टर करने के लिए प्रेरित किया है। तीसरा, जिपो की लाइटर फ्लिक ध्वनि। क्या आपने कभी लाइटर खोलते समय उसकी आवाज़ सुनी है? यदि आपने नहीं किया है, तो आपको जिपो की लाइटर की ध्वनि का प्रयास करना चाहिए, जो कि अद्वितीय और अत्यंत लोकप्रिय ध्वनि है। इस ध्वनि को अमेरिकी कार्यालय के तहत दिसंबर 2018 में ध्वनि ट्रेडमार्क के रूप में रजिस्टर किया गया है। जिपो लाइटर को अपने विंडप्रूफ फीचर के कारण प्यार और लोकप्रियता मिली, जो कठोर और हवा के मौसम में भी लाइटर को प्रज्वलित रखता है। ट्रेडमार्क विशेष रूप से लाइटर के लिए क्लास 34 के तहत रजिस्टर्ड है। ध्वनि ट्रेडमार्क रजिस्टर करना मुश्किल है, क्योंकि ओनर के लिए यह साबित करना एक चुनौती है कि उसके प्रोडक्ट की आवाज़ दूसरों के प्रोडक्ट्स से कैसे अलग है। उदाहरण के लिए, हार्ली डेविडसन ने भी अपने इंजनों की आवाज़ को दर्ज करने के लिए कोशिश की, लेकिन अपनी यूनिकनेस साबित करने में वो सक्षम नहीं थे, और इसीलिए इस प्रयास को छोड़ दिया गया। चौथा है, ब्लू आईवी बियॉन्से के पहले बच्चे का नाम। क्या आपने कभी अपने बच्चे के नाम को ट्रेडमार्क के रूप में रजिस्टर करने के बारे में सोचा है? सबसे लोकप्रिय अमेरिकी गायिका और अभिनेत्री बियॉन्से कार्टर ने अपनी बेटी का नाम दर्ज किया है। जाहिर तौर पर उसकी सहमति से दुनिया भर के विभिन्न देशों में ट्रेडमार्क के रूप में ब्लू आईवी, ग्रैमी पुरस्कार विजेता 9 वर्षीय लड़की, बियॉन्से और जे-ज़ी की पहली बेटी है। ट्रेडमार्क यूरोपियन यूनियन के कार्यालय में 16 विभिन्न वर्गों के तहत ब्लू आईवी कार्टर के रूप में रजिस्टर्ड है। पांचवा ट्रेडमार्क है, एप्पल के मैक पर चाइम साउंड। एप्पल प्रोडक्ट्स का ओनर होना निश्चित रूप से एक लग्जरी है, और ब्रांड ने सैकड़ों ट्रेडमार्क रजिस्टर किए हैं, जैसे ब्रांड नेम, एप्स जो विशेष रूप से इसके ओनरशिप में हैं, और कई अन्य। एप्पल ने न केवल अपने द्वारा बेचे जाने वाले एप्स, उपकरणों और प्रोडक्ट्स की सुरक्षा की है, बल्कि जब आप इसे चालू करते हैं तो मैकबुक की चाइम साउंड भी US में ब्रांड के ओनरशिप वाले ट्रेडमार्क में से एक है। इसके पुराने डिवाइस में इसके फ़ोन में स्वाइप टू अनलॉक फीचर था, जिसे एप्पल ने रजिस्टर किया था। कंपनी ने स्वाइप टू अनलॉक फीचर को कॉपी करने के लिए सैमसंग पर मुकदमा भी किया था। एप्पल ने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने में कभी संकोच नहीं किया है, और प्रत्येक ब्रांड को ऐसा ही होना चाहिए। तो चलिए अब हम इस विषय का निष्कर्ष देखते हैं। अजीब हो या ना हो, हर ब्रांड नेम सही पहचान और सुरक्षा का हकदार है। ट्रेडमार्क न केवल आपके ब्रांड नेम या लोगो की रक्षा करता है, बल्कि विशिष्ट ध्वनियाँ, टैगलाइन, गीत, संवाद और कलाकारों के स्टेज नेम्स भी सुरक्षित कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मैं मिलूंगा आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। इस वीडियो को देखने के लिए मेरी और कंपनी 360 की ओर से धन्यवाद।